जय श्री राम भक्तों, आज का विषय है ये सात लक्षण बताते हैं कि आप पर काली मैया की कृपा होने वाली है। देखिए, आज का ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। कृपया बीच में स्किप ना करें, जिससे कोई महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना जाए। हमने देखा है कि बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जिनको बहुत कम प्रयासों से, बहुत कम मेहनत से, बहुत कम पूजा साधना से काली मैया की कृपा, आशीर्वाद और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे पहले काली मैया उनके शरीर में आने से पहले, आशीर्वाद देने से पहले कुछ संकेत और कुछ लक्षण जरूर देती हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और देखें। देखिए, काली मैया की सिद्धि और आशीर्वाद प्रायः दो तरीके से पाई जाती है। नंबर एक, या तो आप अपने जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को, किसी महाराज को जिस पर काली मैया का संपूर्ण आशीर्वाद हो, उसको अपना गुरु बनाए, तब वो आपको गुरु दीक्षा देने के बाद, गुरु मंत्र देने के बाद काली मैया को सिद्ध करने का एक मंत्र आपको देगा और अनुष्ठान की विधि आपको बताएगा। और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र अत्यंत ऊर्जावान होता है, अत्यंत सशक्त होता है और वो गुरु के द्वारा बताए गए विधि से सिद्ध अवश्य होता है। तो एक तरीका तो किसी योग्य व्यक्ति को आप गुरु बनाकर काली मैया का आशीर्वाद और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन और ना कोई विशेष काली मैया की पूजा साधना की, उसके बावजूद उनको उनके जीवन में कुछ लक्षण और कुछ संकेत ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी काली मैया की कृपा और आशीर्वाद और सिद्धि इत्यादि उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाली है। और जब ये लक्षण और संकेत आने शुरू होते हैं तो आप निश्चित मानिए कुछ समय के उपरांत उस व्यक्ति को काली मैया का आशीर्वाद और कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, जैसे आप लोग इस जीवन में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूली शिक्षा, कॉलेजों की शिक्षा, तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाती है और हमेशा आपका ज्ञानवर्धन करती है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है और इसके बल पर आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनते हैं। इसके माध्यम से या तो आपको बहुत अच्छा पद मिलता है या कोई नौकरी मिलती है, सरकारी हो या प्राइवेट, या अगर आप बिजनेस में तो बिजनेस में एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं। परंतु इस
विद्या में और इस अध्ययन में बस एक ही खराबी है कि ये संपूर्ण विद्या और संपूर्ण शिक्षा केवल और केवल एक ही जन्म में काम आती है। मरने के बाद जब आपका अगला जन्म होगा तो ये शिक्षा आपके आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अगले जन्म में आपको दोबारा से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। परंतु इसके विपरीत आध्यात्मिक सिद्धियां, आध्यात्मिक जप तप सिद्धियां, शिक्षाएं, इनमें यह विशेषता होती है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी भी शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए, कृपा मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, जप मिल जाए, तप मिल जाए, जो भी कुछ मिलता है वो अनंत काल तक साथ चलता है, अनेकों जन्मों तक साथ चलता है, वो नष्ट नहीं होता है। ये सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं, कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो व्यक्ति के उस जीवन भर तो काम आता ही आता है, मरने के बाद वो उसके साथ, उसकी आत्मा के साथ उसके अगले जन्मों में ट्रांसफर होता है। जब ऐसा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त और कृपा पात्र व्यक्ति अगला जन्म लेता है तो बचपन से जन्म लेते ही उसकी आत्मा के अंदर, उसके ऑरा में वो सिद्धियां, कृपा, आशीर्वाद, जप, तप सब कुछ होता है और अगले जीवन में वो वहां से शुरू करता है जहां से पिछले जीवन में उसने उस आध्यात्मिक शिक्षा को छोड़ा था, और उस जीवन में उस आध्यात्मिक शक्तियों को, कृपा को, आशीर्वाद को, सिद्धि को और आगे बढ़ाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी समाज में बहुत है जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में किसी योग्य गुरु को बनाकर उसके सानिध्य में काली मैया की या किसी और इष्ट देव की सिद्धियां पाई थी, आशीर्वाद पाया था, कृपा पाई थी, तो उसको अगले जन्म में ये सारी चीजें जन्म से साथ होती है और एक उचित समय आने पर प्रायः देखा गया है 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच में वो सिद्धियां और कृपा, आशीर्वाद, जप, तप इत्यादि अपना रंग दिखाने लगते हैं और धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं, और प्रकट होने से पहले आपके जीवन में कुछ संकेत और कुछ लक्षण देते हैं जिससे कि ये आसानी से पता किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को काली मैया या किसी और देवता की सिद्धि, आशीर्वाद, कृपा बहुत जल्द प्राप्त होने वाली है। ये लक्षण कौन कौन से हैं? प्रायः ये 6-7 लक्षण हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक सुने। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी योग्य गुरु के सानिध्य में भगवती काली की सिद्धि प्राप्त की है तो वो सिद्धि उसके अगले जन्म में बालकाल से साथ रहेगी जगत के कल्याण हेतु और उसके भी कल्याण के हेतु। वो सिद्धि उसको बहुत कम मेहनत से, कुछ ही पूजा पाठ से, संक्षिप्त पूजा पाठ से, 2-4-5 माला, हल्का सा मंत्र जाप करने से वो सिद्धियां और कृपा उसकी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का अचानक से, या ऐसे बच्चे का अचानक से चेहरे का तेज या उसका ऑरा अचानक से बढ़ जाता है, उसका चेहरे का जो नूर होता है वो अचानक से बढ़ जाता है और उसको सपने में काली मैया के दर्शन होने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है
कि दिन में भी खुली आंखों से उसको दिन में कई बार काली भैया के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को टेलीपैथी होने लगती है, पूर्वाभास होने लगता है व्यक्तियों के बारे में। कोई भी अपरिचित व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति जब उसके सम्मुख आता है या वो उसके सम्मुख जाता है, तो उसके भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में या भविष्य के बारे में उसको बगैर जाने उसको दिखाई देने लगता है। और वो बताता भी है कि आपके मतलब भूतकाल में आपके साथ ऐसा हुआ है, आजकल ऐसा चल रहा है और आगे ऐसा होने वाला है। और प्रायः वो बातें सच होती हैं, सच हो जाती है और लोग अचंभा करते हैं कि इसको कैसे मालूम। ये सब उसके पूर्व जन्मों की सिद्धियों का और कृपा का चमत्कार होता है। उसको लोगों के संकट नजर आने लगते हैं, उस लोगों का भविष्य नजर आने लगता है, वो टेलीपैथी उसको होने लगती है। उसके घर में, उसकी तिजोरी में रखी हुई चीजें वो देख पाता है, बता पाता है। ऐसा हमारे साथ हुआ था, कई बार हुआ था। नंबर तीन, अगला लक्षण जो होता है, ऐसे बालक को, ऐसे बच्चे को या ऐसे व्यक्ति को अचानक से एकांत अच्छा लगने लगता है और सत्संग इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि में अचानक से रुचि बढ़ जाती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द भगवती काली मैया की आप पर कृपा होने वाली है। अगला लक्षण नंबर चार, चेहरे ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बालक का चेहरे का तेज, चेहरे का नूर और उस व्यक्ति के पूरे शरीर का जो ऑरा होता है वो अचानक से बढ़ जाता है, काफी पॉजिटिव हो जाता है। उसके साथ बैठने पर सामान्य व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और अचानक से बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें वो बच्चा बोलने लगता है। ये भी एक प्रमुख लक्षण है। अगला लक्षण है नंबर पांच, ऐसा व्यक्ति एक तो काफी सरल स्वभाव का हो जाता है और स्पष्ट वक्ता हो जाता है, बात को घुमा फिरा के नहीं कहता है, साफ साफ कहता है। उसका अंदर से और बाहर से मन एक ही होता है, देखने का भी और दिखाने का भी। उसके अंदर जो अंदर होता है वही उसका बाहर होता है, वो बड़ा स्पष्टवादी होता है। अचानक से ऐसे व्यक्ति का क्रोध भी बढ़ जाता है क्योंकि वो साफ बोलता है, स्पष्ट बोलता है, सच बोलता है। इस कारण उसको फालतू की बातें लोगों की पसंद नहीं आती है और वो गलत बातें सुनकर उसका क्रोध बढ़ जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि आपके ऊपर काली मैया का आशीर्वाद है और बहुत जल्दी प्रकट अवस्था में आने वाला है। नंबर छह, अगला लक्षण, कई लोगों को, कई बालकों को, कई भक्तों को ऐसा हमने देखा है, ऐसा भी होता है कि अचानक से उनको शमशान अच्छा लगने लगता है, उपवन, वन, पहाड़, नदियां, मंदिर इत्यादि अच्छे लगने लगते हैं, वहां जाने की इच्छा होती है। बार बार उसको उसके मन में, मस्तिष्क में, सपने में नजर आती हैं ऐसी चीजें। और कई बार कुछ लोगों को तो वैराग्य तक हो जाता है, अचानक से वो बहुत ज्यादा वैरागी हो जाते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं और सिद्धियां या पूजा पाठ में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बहुत जल्दी ऐसे व्यक्तियों को
सिद्धियां प्राप्त भी होती हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की होती है, वो उनको अचानक से मिल जाती है, उसके बाद वो उन सिद्धियों को और आगे बढ़ाते हैं। और एक अगला लक्षण है नंबर 7, अचानक से ऐसे व्यक्तियों को यह भी देखा गया है कि आंखों में आंसू आना, रोने का मन करना, भगवान के पास बैठना, उनका मंत्र जाप करना, ये अच्छा लगने लगता है और प्राय घर में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं पूजा करूंगा, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, और वो अपना समय पूजा पाठ में देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बहुत जल्दी काली मैया का आशीर्वाद और कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो पूजा, भक्ति, अध्यात्म, इसकी ये एक बहुत प्रमुख, बहुत अच्छी विशेषता है कि इस जीवन में आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जब तक सिद्धियां हासिल करेंगे, वो इस जीवन में तो आपके काम आएंगी आएंगी, वो आपके मरने के उपरांत आपके अगले जन्मों में साथ जाएंगी, और उन सिद्धियों को आप लेके पैदा होंगे अगले जन्म में और आगे बढ़ाएंगे उसको, ये जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत से बालक हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में सिद्धियां हासिल की थी, तो अचानक से उनको ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं और वो काली मैया के बहुत बड़े भक्त बनते हैं और उनके ऊपर काली मैया की असीम कृपा होती है, सिद्धियां हासिल होती हैं। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।